हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शेयर विद केयर। तो आज मैं आपके साथ दो ऐसे प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो अफोर्डेबल तो है ही, उसके साथ बहुत इसका कवरेज जो है बहुत ही अच्छा है, और इतने अफोर्डेबल होते हुए भी ये कोई हाई ब्रांड से कम नहीं है। तो मैं बता दूँ कि तो वो प्रोडक्ट कौन से हैं, मैं बता देती हूँ। वो है इनसाइट के दोनों ऐसे प्रोडक्ट जो ऐसे छोटे से क्यूट से पैकेजिंग में आता है। एक है हाइलाइटर और एक है कंसीलर। ये दोनों मैंने परचेस किए थे कुछ दिन पहले ही परचेस किए थे। तो ये दोनों मुझे इतने अच्छे लगे, रिव्यू दे दूँ ये प्रोडक्ट का। तो ये प्रोडक्ट कुछ ऐसे छोटे से पैकेजिंग में आता है, आपने जैसे देख रहे हैं छोटा सा, बहुत ही छोटा है। छोटा होने से भी क्या हुआ, लेकिन काम का बहुत है, बहुत ही काम का है। तो इसे मैं खोलती हूँ, खोल के आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हाइलाइटर मैं पहले आपको दिखाती हूँ। ये कुछ ऐसे है, इसमें आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे। ये अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट दोनों में ही मिलते हैं, नायका भी मिलता है शायद, मैंने देखा नहीं है। तो ये कुछ इस तरह का है, ये हाइलाइटर है। तो ये हाइलाइटर कितना अच्छा है, मैं क्या बताऊँ। ओ माई गॉड, देखिए कितना ग्लो है इसमें, बाप रे बाप। इतने अफोर्डेबल प्राइस में इतना अच्छा हाइलाइटर, मैं थोड़ा सा और देखे देती हूँ। इतना अच्छा हाइलाइटर मैंने तो देखा ही नहीं। तो जब मैंने इसे ख़रीदा, तो ख़रीदने के बाद जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसे यूज़ किया, तब मुझे लगा कि सच में इतने अफोर्डेबल प्राइस में इतना अच्छा प्रोडक्ट भी मिल सकता है। तो ये इनसाइट का मेकअप एसेंशियल हाइलाइटर इसमें लिखा हुआ है ऊपर में। ये इसका शेड नंबर है, ये 3.5 ग्राम में आता है, अच्छा क्वांटिटी है, बहुत ही दिन चल जाएगा। और ये है कॉस्मिक पाउडर 06, इसका शेड है 06। और मैंने जब फर्स्ट टाइम इसे अपने चीक्स पे लगाया, मैं एक बार लगा के दिखा देती हूँ आपको, देखिए वाओ। ये कुछ क्रीम हाइलाइटर जैसा ही है, तो जिनका ड्राई स्किन है उनके लिए तो ये बेस्ट है, क्योंकि उनका ड्राई स्किन में ऐसे क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट अगर लगाएंगे वो, तो उनका स्किन ग्लो तो करेगा ही और ड्राई भी नहीं लगेगा। तो मेरे ख्याल से ये वाला बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ड्राई स्किन पीपल के लिए, और ऑयली स्किन वाले भी लगा सकते हैं इसे, कोई बात नहीं है। इतना भी चिपचिपा नहीं है, स्टिकी सा नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल है अपने आपके स्किन पे। मैं जब लगाती हूँ तो मुझे चिपचिपाहट कुछ भी नहीं लगता, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है ये आपके चिक्स पे, और एक अच्छा सा ग्लो देता है। और मुझे ये मैंने अमेज़ॉन से शायद ख़रीदा है, और ये बहुत ही अफोर्डेबल है। और मैंने इसे जब ख़रीदा था ये कुछ 99 रुपीज़ का था। आप कितने रुपीज़ का है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो ये ऐसे पैकेजिंग में मैंने इसे रख दिया। तो ये छोटा सा क्यूट सा पैकेजिंग है, बहुत ही क्यूट सा। और दूसरा जो मैंने ख़रीदा है सेम टू सेम ही पैकेजिंग है इसका, और ये कुछ इस तरह क्यूट से पैकेजिंग में है, क्यूट सा एकदम। ये कंसीलर है, इसे मैंने यूज़ भी किया हुआ है बहुत बार। तो ये बहुत ही अच्छा है, इसका कवरेज भी मैं दिखा देती हूँ, बहुत अच्छा है। देखिए इसे जब मैं अपने कंसीलर की तरह यूज़ करती हूँ अपने डार्क सर्कल पर, या कंसीलिंग करने के लिए जहाँ भी, बहुत अच्छे से होता है। और ये भी ड्राई स्किन पीपल के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही क्रीमी सा है और कभी भी आपके स्किन को ड्राई आउट नहीं करेगा। इसका शेड है NC1 लिखा हुआ है यहाँ पर। ये भी 3.5 ग्राम का है, बहुत ही अच्छा क्वांटिटी है, बहुत दिन चल जाएगा। और इसे भर भर के देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा देने से ही बहुत अच्छा काम करता है। कभी कभी हम जल्दी में कुछ मेकअप करना चाहते हैं, तो हम तब इसी छोटे से एक कंसीलर को अगर हम अपने डार्क सर्कल एरिया में या कहीं पे भी हमारा पिंपल स्पॉट है वहाँ पे थोड़ा सा देके, फिर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर देके कहीं पे भी हम निकल सकते हैं। हमें कोई फाउंडेशन या बीबी क्रीम या सीसी क्रीम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये छोटा सा प्रोडक्ट आपके पास रहेगा तो आप अच्छे से अपने कंसीलिंग का भी काम कर सकते हैं, प्लस फाउंडेशन का भी काम कर सकते हैं एक साथ। तो ये दोनों भी बहुत ही अफोर्डेबल तो है ही, अफोर्डेबल के साथ
आप इसे कहीं पर भी कैरी करके ले जा सकते हैं। आपका अगर छोटा सा बैग है तो आप उसमें भी इसे भर के ले जा सकते हैं इजीली, कहीं पर भी आप ले जा सकते हैं इसे, एक छोटे से बैग में भी कैरी करके ले जा सकते हैं। फिर आप वहाँ पर जाके इससे मेकअप कर सकते हैं इजीली। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, तो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर ख़रीदना। मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दे दूँगी, और मेरे लिए तो ये बेस्ट है। मैंने इसके साथ बहुत सारे मेकअप वीडियोस भी किए हुए हैं, इसे मैंने यूज़ भी किया हुआ है। आपने चीक्स पे लगा के बहुत अच्छा लगता है, मेकअप लुक बहुत अच्छा लगता है। तो आज का ये प्रोडक्ट का रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और मुझे मेरे सोशल मीडिया लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मैं दे दूँगी, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी दिन और एक प्रोडक्ट का रिव्यू मैं लेके आऊँगी जो अफोर्डेबल होगा और पॉकेट फ्रेंड भी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और एक वीडियो में। टाटा बाय।